आज की सुबह आपको लेके आ गई हूँ बैंक मोड। और देखो सुबह के 5:30 हो रहे हैं और बैंक मोड पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मैं वॉक करके आ गई हूँ और अभी पी रही हूँ अपनी गर्मा गर्म चाय। और इतनी अच्छी हल्की हल्की ठंडी अभी लग रही है, नवंबर आ गया है बट फिर भी ठंड जो है थोड़ी हल्की हल्की है। तो आज मैं 2022 का फर्स्ट विंटर वॉक करके आई हूँ, फाइनली आई डिड इट। तो वॉक तो मैं करके आ गई हूँ बट हाँ, वॉक करने से पहले ना इसकी जो तैयारी होती है बहुत लंबी होती है। मतलब अगर आप एक पिछले शाम से आप पहले से स्टार्ट कर ले अपनी प्रिपरेशन कि हाँ भाई मुझे कल वॉक करना है, टाइम पे उठना है, तो टाइम पे उठने के लिए आपको टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। आप मेक श्योर कर ले कि आप एक दिन पहले नाइट में अपनी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर ले। लाइक आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या ड्रेस पहन के जाना है, क्या शॉक्स पहनना है, विंटर्स हैं तो क्या स्वेटर पहनना है, एक अपना अच्छा कंफर्टेबल जो है ड्रेस उसको रेडी करके पहले से रख ले, ताकि जब आप सुबह टाइम पे उठे तो चीज़ें मेस्टअप ना हो, सारी चीज़ें अपने जगह पे हो और आप जल्दी से फटाफट रेडी हो और अपने वॉक के लिए निकल जाए। तो मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता देती हूँ वॉक से रिलेटेड। अगर आप इनिशियली स्टेज पे वॉक स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, श्योर कि बॉडी में आपको किसी भी तरीके का स्प्रेन एंड स्ट्रेन ना हो, उससे बचे। इनिशियली आप जो है थोड़ा 1 किलोमीटर वॉक करना स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे जो है ना अपना स्टेमिना अगर आपका बन जाता है तो आप अपना वॉकिंग का जो किलोमीटर्स है वो आप बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। और बता दूं, जाने से पहले वॉकिंग पे और आने के बाद मेक श्योर कि आप जब मॉर्निंग में जा रहे हो तो ठंडी में स्पेशली थोड़ा हल्का गुनगुना गर्म पानी पिए। अगर आप खाली पेट वॉक नहीं कर सकते हो तो आप चाहो तो 1-2 खजूर खा सकते हो, फ्लैट सीड्स ले सकते हो, या फिर ब्लैक कॉफ़ी अगर आपको पसंद है तो आप वो ले सकते हो। और जब आप वॉक से वापस आते हो तो आप अगर कोई शेक लेना चाहते हो, प्रोटीन शेक, कुछ भी लेना चाहते हो हल्का फुल्का, वो आप ले सकते हो। और अगर आपको इनिशियली टाइम पे बॉडी में पेन हो रहा है, आपके काफ मसल्स में पेन हो रहा है, बिकॉज आप जब वॉक करके आओगे तो ऑन दैट टाइम पे आपको फील नहीं होगा, जब आपकी बॉडी रेस्ट पीरियड में जाएगी तब आपको वो थोड़ी थोड़ी पेन स्टार्ट होगी, तो आप उस टाइम पे थोड़ा सा गर्म पानी से जो है हल्का अपने उसको सेक लिया कीजिए, नॉट सेक लिया कीजिए, कोई कॉटन का क्लोथ लेकर के उसको गर्म पानी में हल्का गुनगुना पानी में डिप करके और अच्छे से अपने बॉडी पे ऐसे करके आप करोगे तो आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा। आप कोकोनट ऑयल से थोड़ा मसाज कर सकते हो या तो ऑलिव ऑयल से थोड़ा सा मसाज कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी जो है इनिशियली टाइम पे रिलैक्स फील करेगी और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। यही सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जब आप स्टार्ट करो वॉकिंग, तो इसको ध्यान में रखो। और यही मैं करती आ रही हूँ, करके अपने वेट को जो अभी मेंटेन किया है। तो यही छोटा सा मेरा वीडियो था, मैं सोची चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और अभी चाय एंजॉय करती हूँ, उसके बाद ऑफिस के लिए रेडी होना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।